क्योंकि स्कोर रन रेट ठीक है, लेकिन अगर इससे ड्रॉप हुए तो हाँ रिस्क हो सकता है बिकॉज वी लॉस्ट वन विकेट। कई बार ऐसे मौकों पे जब रन रेट काफ़ी ज़्यादा आस्किंग रेट हो तो बीच में पिंच हिटर भेजे जाते थे कि जो पीछे के होते हैं खिलाड़ी। ओह हवा में ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, और एक और मौका और बहुत बढ़िया कैच। तो आपने अब मनोज जी की तारीफ की तो ये कमेंटेटर्स कर्स आपका दूसरा लग गया। तो मुझे लगता है अतुल अब हम मुझे यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से चलना चाहिए और पैड पहनने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अब थोड़ा सा खतरा टीम पर मंडराते हुए नजर आ रहा है। देखिए कोशिश तो करनी थी, ये टीम के लिए बैटिंग है रवि, क्योंकि कई बार आप इंतजार करते रहते हैं कि बॉल मिले पर उसमें फिर पीछे वालों के लिए बहुत मुसीबत होती है। अच्छा कैच है, बहुत बढ़िया कैच, शानदार कैच। पर क्रिकेट बहुत ही अजीबोगरीब खेल है, इसमें कभी कह नहीं सकते। 21 गेंदों में 22 रन बनाए और अब 65-2 स्कोर है भोजपुरी दबंग्स का। रवि भाई जी, अतुल बाबू का बस दुआ करिए कि हम लोग पहली मैच है सीसीएल की, इसमें लाज रखें ताकि टीम का मॉरल हमारा स्ट्रांग रहे आगे भी। बढ़िया मैच जाए, करीबी लेके जाए जरा, बस करीब ले जाए, जैसे जीत तो बात की बात, हाथ की बात। वीर मराठा टीम अच्छी है और बड़ा मौका मिलेगा अभी। थैंक यू, तो शुक्रिया आप यहाँ आए। I'll see you again. Thank you. One on day. Asking rate creeping up slowly, required rate now up to 14 dangerous levels. और ये होता ही है जब विकेट्स जाती हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। वो बहुत बढ़िया गेंद, लेग स्पिन के एक्शन से सीम बॉलिंग। ओ शायद जो रनर है उससे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती है, हमेशा होती है। फास्ट आर्म एक्शन है और लेग स्पिन की तरह रिस्ट को रखते हैं तो कई बार बॉल देखिए और ऐसा लगता है कि जैसे अतुल ये क्रिस हैरिस की बॉलिंग एक्शन मुझे रिमाइंड कर रही है जिस तरह से गेंद डाल रहे हैं। ये देखें आप, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाए अगर आप कभी खेले नहीं हो ऐसे गेंदबाज को, कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ मैं खेला उनको आज कई बार, उनके खिलाफ मैंने बल्लेबाजी की, मेरी काउंटी में खेलते थे और बड़ा अजीब लगता है, लगता है कि बॉल तेज आएगा पर बॉल एकदम रुक सा जाता है। तो ये एक अजीब सी कला उस समय न्यूजीलैंड ने निकाली थी ट्रंडलर्स की, डिबली डॉबली बॉलर्स की, उसके बारे में अगले ओवर में बात करेंगे। 69 पे 2